तो देख रहे हो क्लच पैडल दबाते ही कैसा साउंड आ रहा है। आज इसी साउंड को क्लियर करेंगे, ठीक करेंगे। तो आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं क्विड की, और इसमें आज मैं बताने वाला हूं आपको कि क्लच में अगर इशू आ जाता है तो कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करेंगे, और इसके अंदर क्या आवाज़ है उस चीज़ को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी सर आए हैं मेरे साथ, सर की गाड़ी है। तो सर, गाड़ी में क्या क्या इशू फेस कर रहे हो? सर, जैसे अभी गाड़ी को 7 साल हो चुके हैं, जैसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी, तो उसमें मैंने नोटिस किया है कि जैसे वो एक थटरिंग साउंड आती है, थर 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 थर, क्लच पैडल दबा देते हैं, बंद हो जाता है, क्लच पैडल दबाने पे साइलेंट हो जाती है गाड़ी, और क्लच भी गाड़ी का हार्ड है जी, है ना, और थोड़ा लेट भी गाड़ी उठ रही है जी। तो आज यही प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे गाड़ी के अंदर क्या है कैसे है, एंड गाड़ी को आज ओके करते हैं। तो अभी पहले चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, इसमें कोई लाइट वगैरह कोई एबनॉर्मल वैसा कुछ तो नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और नॉर्मल है, कोई लाइट नहीं है, हैंड ब्रेक की लाइट है। अभी आप आवाज सुनेंगे जरा, यहां तक आवाज है, बहुत खतरनाक आवाज है। तो इस आवाज को भी बंद करेंगे तो इससे क्लियर हो जाता है क्लच हार्ड है। तो पैडल हम जब दबाएंगे गाड़ी के अंदर क्लच पैडल को, तो गियर पड़ने में भी इशू आने लगता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज हम इस गाड़ी का यही करने वाले हैं। ये दो मेन चीजें हैं जो बेसिक टॉपिक हैं जो आप अपने आप कर सकते हैं। इससे अलग और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लच को पता कर सकते हैं, पर वो थोड़ा डीपली होते हैं। लेकिन एज ए कस्टमर आप, आपको मान लो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं गाड़ी के क्लच में इशू है? तो ये दो मेन इशू मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा इशू आता है तो फिर आप गाड़ी को प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी करेंगे इसका क्लच, तो लगाते हैं गाड़ी को, खोल लेते हैं। बैटरी की ट्रे निकल गई है, ठीक है, बैटरी भी निकाल दी और आवाज सुनते हैं। देखो तो ये इसमें आवाज है, एंड इसके लिए क्लच को चेंज कर रहे हैं, एंड क्लच भी हार्ड हो गया है। रेडिगो का तो आपने देखा ही होगा, क्विड का खोल रहे हैं, क्या डिफरेंस आता है, क्या फर्क है, वो चीज भी आज देखेंगे इसमें। तो दोनों तरफ के एक्सल जो है वो इधर जैसे इस तरफ से निकाल दिया ऐसे उस तरफ से निकाल रखा है, गियर बॉक्स में लगे हुए हैं, ठीक है, साथ के साथ गियर बॉक्स के साथ ही निकालने की कोशिश है। एंड इधर का देखो आर्म कट गया पूरा, देख रहे हो, ये है आवाज करता है गाड़ी का, एंड सोकर भी इसका वीक हो गया है, लीक हो गया प्रेशर, देख रहे हो ये। अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड का भी दिखाता हूँ। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं, इस तरफ से भी एक्सल निकाल लिया है और आर्म जो है इसका देखो बुरी तरह कटा हुआ है इस तरफ से भी, ठीक है, और सोकर भी बहुत ज्यादा वीक है, लीक हो गया ये। एंड इन दोनों के लीक होने की वजह से ना तो टायर पे वेट आता है, गाड़ी टायर खाना स्टार्ट कर देती है, अभी नए टायर हैं। अब बस माउंटिंग खुल रही है ये वाली, इसको खोल के गियरबॉक्स को हम नीचे उतार दें। तो भाई बड़ी मशक्कतों के बाद बहुत ही मतलब सारे बोल्ट इसके पूरे खुल गए थे, देखो ये पहचान है इसकी, फर्स्ट टाइम खुला है, ठीक है ना, एंड मतलब बोल्ट खुल गए 15-20 मिनट में, और 15-20 मिनट इसको बाहर निकालने में लग गए। और अभी इसका देखो हल्का सा ये जो इसकी टॉप गरारी है, हल्की सी शार्पनेस आ गई है इस पर, इसको भी चेक करेंगे। और दूसरा ना ये इसका बैरिंग है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गाड़ी के अंदर से, ये देखो ये सब साफ़ करेंगे, बढ़िया से लगाएंगे इसको साफ करके। तो ये है इसका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, अभी इसकी कंडीशन भी चेक करेंगे, और ये खुल गया है सारा का सारा, बाहर निकालेंगे, प्रेशर प्लेट हार्ड हो रखी थी उसको देखते हैं, अभी निकाल ले बेटा बाहर निकाल ले। क्लच प्लेट निकला है, देखो एक्सीडी का है, ठीक है, इधर रेनॉल्ट लिखा हुआ है, रेनॉल्ट की मार्किंग है, एंड यहाँ पे देखो, ठीक है ना, एंड मजे की बात देखो इधर सीके है या एक्सीडी है, अब ये समझ, ये समझे कि सीके वालों ने बनाया है या एक्सीडी वालों ने क्या है, चलो कोई नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ समझनी है। ये देखो पूरा साइनिंग साइनिंग आ रहा है ना इस पर, ये क्लच स्किड कर रहा है मतलब स्लिप मार रहा है। और दूसरी चीज देखो लेदर, अभी इसका 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाता, यहाँ से देखो ये तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है ना, 5-6 हज़ार चलता पर तब तक कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता गाड़ी के अंदर। और मिट्टी देख रहे हो इसमें कितनी निकल रही है, फर्स्ट टाइम क्लच खुला है, और यहाँ से प्रेशर प्लेट के फिंगर देखो ये अनइवन है, कट भी गए हैं, इस वजह से गाड़ी में आवाज़ बनती है टक 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 मॉर्निंग में, मे बी ये ठीक हो जाए, एंड वो आवाज़ तो अभी आई नहीं, बट हम इसको क्लच को
एक तो हार्ड की वजह से चेंज कर रहे हैं और पिकअप नहीं बना रही प्रॉपर, उस वजह से चेंज कर रहे हैं। तो अभी इसको रिप्लेस करते हैं, ओरिजिनल सीके का ही लेके आता हूँ या एक्सीडी का लेके आता हूँ एंड इसको चेंज करेंगे अभी। तो क्लच सेट में ले आया हूँ दोस्तों नया, ये देखो क्लच बैरिंग है इसका, ठीक है जेन्युइन ओरिजिनल, देखो पैकिंग में रेनॉल्ट की पैकिंग नहीं है। और ये क्लच वायर है इसकी, ठीक है क्विड, ये क्लच वायर हो गई। अब देख लेते हैं क्लच सेट, तो यहाँ देखो एक्सीडी सीके यानी ओरिजिनल है, गाड़ी के साथ का ही निकला हुआ है। और यहाँ पर देखो ये एक्सीडी, ठीक है प्रेशर प्लेट बिल्कुल सेम रहती है, प्रेशर प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रेशर प्लेट में फॉल्ट क्या है ये देखो, ये ओरिजिनल एक्सीडी की, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया है एकदम। एंड ये तो ख़राब हो ही गया, तो इसमें फ़र्क क्या है एक छोटा सा और बता दूं, यहाँ देखो शार्पनेस आ रखी है ये यहाँ पर ना, और ये मैंने सर को भी दिखाया है और ये बिल्कुल बढ़िया है नया सेट है। तो ये सामान इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। गियर ऑयल, गियर ऑयल बिल्कुल ठीक है, गियर ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 किलोमीटर तक चलता है। पर सर ने 15,000 या 10,000 पहले चेंज करवाया, मैंने बात की थी, तो यही गियर ऑयल हम चनाले वाले हैं और इसकी करेंगे सफाई बढ़िया से, सफाई करके बढ़िया से ग्रीसिंग व्रीसिंग करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो भाई ये इसमें सफाई हुई है बढ़िया से, देखो पहले क्या हालत थी एंड अभी बिल्कुल बढ़िया हो गया और ऊपर से भी सफाई चल रही है। जितनी ज़्यादा अच्छी सफाई होगी उतनी बढ़िया क्वालिटी आती है काम में, बढ़िया से इसको अच्छे से साफ करके फिक्स करने वाले हैं। तो अभी बढ़िया से इसको साफ करके लगा दिया है, देखो नया क्लच बैरिंग चेंज कर दिया है, फोर्क बहुत गंदा हो रहा था इसको भी साफ कर दिया है और अभी इसको लगाते हैं। भाई कंप्लीट हो गया पूरा, इधर की माउंटिंग भी लग गई है, एक्सल वगैरह सारे लग गए और ये पूरा हो गया, गियर ऑयल वगैरह पूरा डल गया। 20 से 25 मिनट लगे हैं लड़कों ने फटाकट फटाकट। एंड सर यहीं पे है ना सर, कितना टाइम लगा सर? 20-25 मिनट में हो चुका काम सारा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मतलब चल रही है फिटिंग, बैटरी रख रहे हैं, थोड़ी देर बाद अब इसका रोड टेस्ट करेंगे, सर खुद ही चलाएंगे, खुद ही बताएंगे कि क्या फर्क लगा। एंड ये क्लच वायर हमने रिप्लेस कर दिए, बस अब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर करेंगे रोड टेस्ट गाड़ी का। तो भाई कंप्लीट हो गई है गाड़ी, जैक निकल गया है, अब करेंगे सिर्फ रोड टेस्ट। बेटा एक बार अंदर बैठ के क्लच पैडल दबाओ, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ठीक है? तो अभी सुनेंगे आवाज, चलो बढ़िया, आवाज एकदम जीरो हो गई है। एंड अभी गाड़ी चलाएंगे, चलाने के बाद चेक करेंगे। इसमें हमने सिर्फ काम क्या किया है, क्लच हार्ड था और पिकअप नहीं बना रहा था क्योंकि क्लच प्लेट स्किड कर रही थी फ्लाई व्हील पे भी और उस पे भी। तो बस बेटा बस, तो हमने इसमें क्या किया है, कंप्लीट क्लच प्लेट, क्लच बैरिंग और क्लच वायर रिप्लेस करी है, ठीक है? तो अभी गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी ओके हो गई है, मजा आ जाएगा। एंड चलो अभी रोड टेस्ट लेते हैं, फिर सर का फीडबैक लेंगे, सर क्या कहते हैं, चलो। तो अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, क्योंकि पूरा क्लच खुला है एंड खुलने के बाद वायरिंग वगैरह खुलती है, स्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं कोई लाइट तो नहीं है, ठीक है? अभी करते हैं स्टार्ट, बढ़िया भाई, मीटर में तो कोई लाइट नहीं है, नॉर्मल है। अभी गियर भी चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया गियर चेंज करने में, नए सेट की बात ही अलग होती है, गियर बढ़िया हो गए। एंड अभी रोड टेस्ट करते हैं क्या परफॉर्मेंस है। तो भाई अभी क्लच पैडल को दबा रहा हूँ, मजा आ गया भाई। एंड आवाज मैंने सुनवाई दी आपको, कोई आवाज नहीं है, चलाने में क्लच बिल्कुल नॉर्मल हो गया, हार्ड नहीं है। एंड अब पंजा दबाते ही गाड़ी भाग रही है। सर अभी आप गाड़ी चलाना, एंड अभी आप क्या फील कर रहे हो, पहले भी साइड बैठे थे, अब भी थोड़ा सा कुछ लगा इम्प्रूवमेंट आपको? पिकअप में काफी डिफरेंस लग रहा है कि ऐसा गाड़ी चल रही है तो अपन पीछे की साइड जा रहे हैं। अच्छा चलो अभी सर चलाएंगे गाड़ी, फिर उसके बाद सर का जो जेन्युइन फीडबैक है फिर वो देखेंगे। रुक ले बाबू अभी। तो क्लच कैसा महसूस कर रहे हो सर, पैडल? सर एकदम फैदर, मजा आ गया ना, चिड़िया का पंख है एक तरीके से देखा जाए। अभी एक बार और चलाएंगे आगे, वैसे
मैं तो कंफर्म हुई 100% की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। लेकिन अब आप चलाओगे तो आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस फास्ट एंड फ्यूचर हो चुका है। इतना तो खैर नहीं है लेकिन मजा आ गया सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये गाड़ी कंप्लीट, सर को अब डिलीवर करेंगे गाड़ी, सर जाएंगे दिल्ली। ठीक है तो आप सर को कर देते हैं फ्री। चलो सर गाड़ी अंदर लगा लेंगे हम आप। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, एंड क्विड का क्लच यही होता है, इसी तरीके से हमने चेंज किया है। एंड रही बात क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, रेडिगो का और क्विड का सेम ही है। ठीक है तो दोस्तों यही था, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू सो मच। किसी मैकेनिक भाई को वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, उस चीज़ को भी इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच भाइयों।